फर्स्ट का जो मेरा आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है, क्योंकि फिजिबल पॉइंट 10 और 15 में था और यहाँ पे 12 है जो कि मेरा इसका आंसर नहीं होगा. ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ISI 2014 क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी लॉजिक लगाना है और आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप लाइन को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बस, और इसके बाद इस क्वेश्चन बहुत इजी है. ठीक है, तो अब देखिए, मुझे मैक्सिमाइज करना है एक्स प्लस वाई को और मुझे दे रखी है, ठीक है, मुझे दे रखी है ये सब्जेक्ट टू दिस. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो गाइस मैंने जो आपको जो रूल बताया था वही तीन चार रूल आपको स्टेप को फॉलो करना है. तो पहला क्या था कि ये जो मेरा कंस्टेंट है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं पहले कंस्टेंट को एक बार फिर से लिख देता हूँ. ठीक है, तो दैट इज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, पहला इंटरसेप्ट. दूसरा क्या था, माइनस एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और तीसरा क्या था, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 10. या सारा लेस देन है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. या सारा लेस देन है. ओके, ठीक है, तो अब मुझे इंटरसेप्ट निकालना है. इंटरसेप्ट निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ये 14 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो. तो अब जब दोनों तरफ डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आएगा, 2/14 प्लस वाई बाई 14 लेस देन इक्वल टू 1, 14/14 तो 1 हो गया, 2 7. ओके, तो ये क्या बना गाइस, ये मेरा बना एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 14 लेस देन इक्वल टू 1. तो इसका इंटरसेप्ट गाइस क्या हुआ, 7/14 इंटरसेप्ट, ये एक्स का इंटरसेप्ट, ये वाई का इंटरसेप्ट. ठीक है, ओके, तो फर्स्ट वाले का 7/14 इंटरसेप्ट बना. उसी तरह से गाइस क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर दो 8 से, यहाँ पे डिवाइड कर दो 8 से. ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस 8 प्लस 2/8 दैट इज 1/4 गाइस, 1/4 वाई लेस देन इक्वल टू 1. तो गाइस इसका इंटरसेप्ट क्या बना, एक्स का इंटरसेप्ट क्या बना, माइनस 8. ओके, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज माइनस 8, और वाई का इंटरसेप्ट गाइस क्या बना, 4. ओके, क्या मैं उसी तरह से डायरेक्ट इसका लिख सकता हूँ, ठीक है, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 लेस देन इक्वल टू 1. तो 2 5 10, तो ये मेरा क्या निकला, x बाई 5 माइनस वाई बाई 10 लेस देन इक्वल टू 1. तो इसका इंटरसेप्ट गाइस, ये x का इंटरसेप्ट, ये y का इंटरसेप्ट, तो x का इंटरसेप्ट 5 और y का इंटरसेप्ट माइनस 10, क्यों, क्योंकि ये माइनस है. ठीक है, तो माइनस 10 हो गया. ओके गाइस, तो मुझे इंटरसेप्ट मालूम चल गया, पहला टास्क कंप्लीट. ओके, पहला रूल कंप्लीट कि इंटरसेप्ट मैंने निकाल लिया. ओके, दूसरा टास्क क्या था गाइस, कि आपको ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस में, क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. ओके, ठीक है, ओके, तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस. ओके गाइस, मैं इंटरसेप्ट मेरा किया था, फर्स्ट पॉइंट किया था दिस 7/14 माइनस 8/4 5-10. तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ. ओके, तो इंटरसेप्ट मेरा क्या था, 7/14 माइनस 8/4 और 5-10, यही तो गाइस मेरा इंटरसेप्ट था. ठीक है, ओके, तो मैं एक रेंज ले लेता हूँ, सपोज दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12. ठीक है, मैं 4/4 के रेंज पे ले लेता हूँ. उसी तरह से मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ 4 और कुछ 8, सपोज कि यहाँ पे आया होगा. ठीक है, ओके, ओके, ठीक है गाइस, 7/14, तो 7 कहीं यहाँ पे आया होगा, मैं अलग अलग
कलर ले लेता हूँ ताकि ओके गाइस, सेवन कुछ यहाँ पे आया होगा, सेवन और फोर्टीन। गाइस फोर्टीन सपोज यहाँ पे आया होगा फोर्टीन, ओके सेवन और फोर्टीन। तो मैं यहाँ पे लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी गाइस मेरी ड्राइंग खराब है बहुत ज़्यादा, तो आप एडजस्ट कर लेना। ओके ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा -84, गाइस माइनस प्लस तो कोई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं थोड़ी सी इसको बढ़ा देता हूँ, ओके -8, सपोज -8 यहाँ पे कहीं पे आया होगा, ठीक है -8, ओके -8 और 4 यहाँ से कुछ लाइन गुजर रही होगी, तो मैं इसको अलग कलर ले लेता हूँ, ग्रीन या ग्रीन, ठीक है। तो ओके ओके ये कंप्लीट। तीसरा गाइस प्लस माइनस, प्लस माइनस गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होगा, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। तो मैं इसको थोड़ी सी और एक्सटेंड करता हूँ, तो 5 -10, ओके ओके प्लस माइनस तो कुछ यहाँ से लाइन, और ये 5 है सपोज गाइस, 5 कहीं यहाँ पे आया होगा 4 के बगल में, 4 यहाँ पे कहीं 5 आया होगा, और कुछ यहाँ पे मेरा क्या माया, ओके यहाँ पे -10 सपोज, इस टाइप के कुछ लाइन जा रहा होगा, ठीक है सपोज दिस type of line is going on, okay yeah इस टाइप की कुछ, ओके गाइज ये कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरी टैब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेन के कारण, ओके सो अब ओके सेकेंड टास्क कंप्लीट। थर्ड टास्क कि आपको बेस्ट फिजिबल रीजन निकालना है, ठीक है ओके। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन में गाइस मेरा ई लेस देन, ई बी लेस देन, ई डी लेस देन मुझे दे रखी है, सारा लेस देन लेस देन लेस देन, ओके 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 गाइस। ए वाला लाइन का लेस देन एरिया दिस मच पार्ट लेस देन, उसी तरह से ग्रीन वाले लाइन का लेस देन ए वाला एरिया होगा लेस देन, रेड वाले का भी ए वाला रीजन होगा लेस देन लेस देन लेस देन। तो ये मेरा कॉमन हुआ ना, तीनों का इंटरसेक्शन हुआ ये वाला पॉइंट, ये एरिया, ठीक है। तो ये मेरा, यही तो मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन है, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो या दिस रीजन, ठीक है ये मेरा कॉमन इंटरसेक्शन निकला तीनों लाइन का, और इसी का नाम है बेस्ट फिजिबल रीजन, ओके बेस्ट फिजिबल रीजन दैट इज बी एफ आर। गाइज ए कोऑर्डिनेट मेरी कितनी है, ए वाला कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, ओके गाइज ए वाला कोऑर्डिनेट कितना है 5 0 5 0, गाइज ए वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है ना और ये वाई की वैल्यू 4, ओके 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 अब मुझे निकालनी है ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ओके ओके ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट। गाइस ये पॉइंट कैसे निकलेगी, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, उसी तरह से ए वाला लाइन और ए वाला लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगी, ठीक है ओके सिंपल। और ये लाइन तो मुझे दे रखी है, ये वाला लाइन जो मेरा 714 था पहला वाला, और ये दूसरा वाला, ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, उसी तरह से इस वाले को और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मुझे आ जाएगी, ठीक है। तो ओके तो मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, पहले ये पॉइंट को पहले मैं निकालता हूँ कि ये पॉइंट मेरी क्या होगी। ये वाला लाइन था ना, ये वाला का गाइस ये कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन था मेरा ये वाला,
दैट इज 14th और 7 14 7 14 मेरा पहला वाला था पॉइंट पहला दिस मच ओके तो इसको यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ओके गाइस ए वाला लाइन है क्योंकि दोनों लाइन टकरा रहा है ना ये और ये टकरा रहा है इस पॉइंट पे ये ग्रीन वाला क्या था -84 -84 जो कि सेकंड वाला लाइन था ओके सेकंड वाला ये वाला दिस तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 गाइस यहाँ से x का वैल्यूज निकाल के इस वाले इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो मुझे x और y का वैल्यूज आ जाएगा तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे x की वैल्यूज 4 आएगी और y की वैल्यू 6 आएगी ठीक है सिंपल ओके सिंपल ओके तो मुझे पता चला कि ये वैल्यूज मेरी कितनी है गाइस ये वैल्यूज मेरी 4 और 6 है फोर और सिक्स ओके थर्ड टास्क कंप्लीट फोर्थ टास्क जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है या क्या करना है मुझे मैक्सिमाइज करना है एक्स प्लस वाई को ओके एक्स प्लस वाई को मुझे मैक्सिमाइज करना है ओके और गाइस ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस प्लस मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है दोनों पॉजिटिव है ना देखो x प्लस वाई मुझे दे रखी है कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो x प्लस वाई तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव होंगे ठीक है मतलब क्यों क्योंकि मेरा x y पॉजिटिव है तो मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह के लाइन होगा ठीक है सपोज कुछ इस तरह के लाइन होगा x प्लस वाई ठीक है x प्लस वाई कुछ इस टाइप से लाइन होगा सेम जाएगा ओके अब मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको ओके तो ये कहाँ मैक्सिमाइज होगा गाइस चलो और ऊपर और ऊपर और ऊपर ओके ओके या सो इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमाइज हो गया ठीक है इस फेजिबल ये बीएफआर जो है मेरा बेस्ट फेजिबल रीजन इसी पे ही तो हमको मैक्सिमाइज करना है और मेरा एक्स प्लस वाई का ये लाइन है एक्स प्लस वाई ओके तो मैंने इसको मैक्सिमाइज किया ऊपर जाके और ऊपर ओके तो ये कहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे कट किया ओके इस पॉइंट पे कट किया तो हाँ तो कौन सा पॉइंट रहा 4 और 6 ओके 4 और 6 और मेरा लाइन क्या था x प्लस वाई तो था तो इस तो मुझे पॉइंट मालूम चल गया कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो 4 प्लस 6 दैट इज 10 सो आंसर 10 जो है इसका आएगा इस 10 सी इज अ करेक्ट ऑप्शन ओके एनी प्रॉब्लम मैं फिर से एक बार गाइस रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में ना आए तो ठीक है फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये मुझे जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसको इंटरसेट फॉर्म में लिखना है इंटरसेट फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि ये राइट साइड में जो भी है ना उसको डिवाइड कर देना है दोनों साइड में ताकि यहाँ पे मेरा 1 बन जाए ठीक है 1 बन जाए और जो भी इसके नीचे में आएगा ठीक है ये जो भी नीचे में आएगा ये इसका इंटरसेप्ट हो गया उसी तरह से ये वाई का जो भी यहाँ पे नीचे में आएगा ये इसका इंटरसेप्ट हो गया ठीक है तो उसी तरह से सारा का आपको इंटरसेप्ट निकालना है ठीक है ये सारा का इंटरसेप्ट निकालना है पहला काम दूसरा काम कि आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ दिस लाइन ये लाइन आपको बनानी है ठीक है तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको बेस्ट फिजिबल रीजन को इंडिकेट करना है इस विद हेल्प ऑफ दिस ये इनइक्वालिटी के साइन से आपको बतानी है कि ये कहाँ और कैसे मतलब किस मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन क्या होगी विद हेल्प ऑफ दिस ठीक है ये तो बहुत इजी है जब आप लाइन अगर आपका ड्रॉ हो जाएगा सपोज कि मेरा लाइन एक ये था
दिस लाइन दिस लाइन, सपोज कि ये लाइन जो आपका लेस देन, तो लेस देन ये सारा एरिया लेस देन। उसी तरह से अगर ये वाला लाइन ना, ये वाला लाइन लेस देन, तो ये सारा लेस देन एरिया। उसी तरह से ये मेरे को लाइन है, इसका लेस देन, तो ये सारा इधर वाला लेस देन। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, यही तो मेरा कॉमन पार्ट हुआ ना सबका, कॉमन पार्ट यही तो हुआ पॉजिटिव। जब मेरे एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी, ये मेरा सारा पॉइंट हो गया। ओके, अब तीसरा काम हो गया। चौथा काम आप एडिशनली क्या करना, कि सारा सारे पॉइंट का आप यहाँ पे इंटरसेप्ट निकाल लेना, ठीक है, इंटरसेप्ट निकाल लेना, ठीक है। पांचवा काम, आपको जो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है यहाँ पे, कुछ भी, सपोज एक्स प्लस वाई, अगर इसको मुझे अगर मिनिमाइज करना था गाइस, तो मिनिमाइज कहाँ होगा, कहाँ होगा, नीचे में, जीरो जीरो पे मिनिमाइज होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो मेरी मिनिमाइज होगा, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो मेरी मैक्सिमाइज केस होगा। तो मैक्सिमाइज मेरा इस वाले केस पे कट हुआ, सपोज दिस, ओके ओके, एक्स प्लस वाई लाइन, एक्स प्लस वाई लाइन, मैं इसको मैक्सिमाइज करते गया, तो इस पॉइंट में मुझे मैक्सिमाइज हुआ, और ये पॉइंट मेरी 406 है, ओके okay? और इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम हो रही है, क्या, एक्स प्लस वाई वाला लाइन, तो एक्स का वैल्यू पुट करो ना, 4 + 6 = 10, जो कि मेरा आंसर सी है, ठीक है। ये गाइस ISI 2014 क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का ही क्वेश्चन, क्योंकि गाइस जब भी आप ISI और DSC का करते हैं ना, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो CUT का तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसी पे बेस्ड होता है, और इससे कम ही आपको डिफिकल्टी लेवल आपको बहुत कम होगी, ये तो सबसे हाईएस्ट है ISI डिफिकल्टीज लेवल, ओके ओके। व्हाट, एनी प्रॉब्लम, आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी टाइप कर दो यार, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आपकी बहुत कट कट आ रही है, आप टाइप कर दो और कोई मुझे बोल दे कि वो क्या बोल रहा था, ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ गाइस, ISI 2008 क्वेश्चन नंबर 4, सेम गाइस, डिट्टो है, डिट्टो, ठीक है, वही मैंने आपको जो 4-5 स्टेप बताया, बस आप वही यूज करना, देखना कि आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सेम, ओके। पहला टास्क क्या था, कि मुझे जो भी सब्जेक्ट है उसको इंटरसेप्ट में लिखना है, तो मैं दोनों साइड 3-3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो एक्स बाई 3 प्लस 3 वाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3/3, दैट इज 1, ओके। ये 3-3 कैंसिल हो गया, बचा 1, ये मेरा एक्स का इंटरसेप्ट हुआ और ये मेरा वाई का इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इंटरसेप्ट क्या निकला गाइस, 3 और 1। सिमिलरली मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, दूसरे वाले लाइन का, दूसरे वाला लाइन मेरा क्या है, 3x + y > 3 divided by 3, 3-3 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 3-3 ये 3-3, तो एक्स बाय 1 कुछ नहीं है तो 1 है ना, प्लस वाई बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस लाइन का इंटरसेप्ट गाइस क्या बना, 1 और 3, ओके 1 और 3। उसी तरह से अब मैं इसका निकालूंगा, थर्ड वाले लाइन का, थर्ड वाला लाइन मेरा क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, मैं दोनों साइड 3-3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1, ओके लेस देन इक्वल टू 1, तो ये मेरा इसका मेरा इंटरसेप्ट क्या बना गाइस, 3-3, ओके। तो मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ कि मैंने सारे का इंटरसेप्ट हम निकाल लिया, ओके 3-1, 1-3, 3-3, ओके ओके। अब दूसरा काम गाइस क्या था, कि मुझे उसको लाइन में ड्रॉ करनी है, ठीक है ओके। तो मैं सबसे पहले इंटरसेप्ट टर्म को एक बार लिख लेता हूँ, ओके। फर्स्ट इंटरसेप्ट गाइस मेरा क्या था, 3-1, 1-3 और आई थिंक ये 3-3 था ना,
थ्री थ्री, ये कितना था, थ्री थ्री, ओके। अब मुझे इसको ड्रॉ करनी है, ओके, सो मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन पे, ओके। कुछ ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ओके। थ्री वन, थ्री वन गाइस, ये मेरा कहीं पे थ्री है, ये मेरा सपोज कि वन है, ओके। तो ये मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थ्री वन, ओके। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, या अब मेरा दूसरा क्या है, वन थ्री। सपोज यहाँ पे कहीं वन आया होगा, दैट इज वन एंड दैट इज थ्री, ओके। सो दिस लाइन ऑफ, ओके ओके। और तीसरा गाइस थ्री थ्री थ्री, तो यहीं पे भी मिला देता हूँ थ्री थ्री का, ठीक है। तो या कुछ इस टाइप के लाइन गाइस, आप ड्राइंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। मेरा ये काम खत्म। अब तीसरी स्टेप क्या थी गाइस, कि मुझे बेस्ट फिजिबल रीजन निकालना है। तो मैं बेस्ट फिजिबल रीजन किसके हेल्प से निकालता हूँ, इनइक्वालिटी के हेल्प से, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन की तरफ, या सो पहली वाली लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, जब मैं इसको कन्वर्ट किया था तो वन, मतलब ग्रेटर है, ठीक है। फर्स्ट वाला लाइन ग्रेटर है, फर्स्ट वाला लाइन ग्रेटर, ए वाला लाइन था ना मेरा फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट वाला था ग्रेटर। तो ये मेरा सारा एरिया हो गया, ऊपर वाला सारा सारा एरिया ग्रेटर, ठीक है, ओके। सेकंड लाइन, सेकंड वाला में भी क्या मेरा था, ग्रेटर था, ग्रेटर था, ओके। सेकंड वाला लाइन मेरा ये था ग्रेटर, ये वाला पार्ट ग्रेटर 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 ग्रेटर, ये इधर आया ग्रेटर, ये मेरा लेस देन वाला साइन होता तो इधर होता, ये भी मेरा ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ओके। थर्ड वाला साइन लेस देन, ठीक है, लेस देन। तो थर्ड वाला लाइन गाइज मेरा ये था थर्ड लाइन, ये मेरा थर्ड लाइन था लेस देन, तो ये नीचे जाएगा लेस देन लेस देन लेस देन गाइज। तो ये मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन निकला, ठीक है। दिस पार्ट यहाँ पे मैं, ओके, सो ये वाला मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन निकला, ओके, ये सारी पॉइंट, ठीक है, ओके ओके। चौथा काम गाइस क्या था, कि मुझे कोऑर्डिनेट को अच्छी तरीका से स्पेसिफाई कर लेना है। ये कोऑर्डिनेट क्या है गाइस, दैट इज थ्री जीरो, सही है ना, थ्री जीरो, क्योंकि ये मेरा थ्री है, वाई तो कुछ है नहीं, जीरो, ओके। ये कोऑर्डिनेट गाइस क्या है, दैट इज जीरो कॉमा थ्री, सिंपल, वाई की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो है, सो जीरो थ्री, ओके। गाइज क्या मैं इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूँ विद दिस लाइन एंड दिस लाइन को सॉल्व करके, ओके, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगी, ओके ओके ओके, ठीक है। तो गाइज आप मुझे कोई जल्दी से ये कोऑर्डिनेट बता सकता है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, फटाफट से। थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, और थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, ओके, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मुझे मालूम चल गया, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, ओके। चौथा काम डन। पांचवा काम, पांचवा काम क्या था गाइस, कि जो मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना है, ओके ओके। गाइस मुझे मिनिमाइज करना है किसको, एक्स माइनस टू आई को, गाइस एक्स माइनस टू आई, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या, प्लस मतलब वन, और यहाँ क्या माइनस टू, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कुछ इस क्वाड्रेंट में लाइज होगा, ओके, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का लाइन होगा, इधर इसकी मैक्सिमम होती है, और अगर ये ऊपर की तरफ जा मूव करेगी तो वो मिनिमम होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस साइड में लाइज होगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रही है। अगर ये जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, अगर ये ऊपर
वो लाइन अगर स्टार्ट होती है तो उसकी मैक्सिमाइजेशन ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से है ना, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमाइजेशन इधर की तरफ मूवमेंट होती है। या फिर गाइस कॉमन सेंस, ठीक है, आपको भी वैल्यूज को उठा के देख लेना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज इस साइड में लाइज होगी, बेसिक अलजेब्रा। ओके ओके ओके, तो मुझे और मुझे गाइस क्या इक्वेशन को मैक्सिमाइज करनी थी, एक्स माइनस टू आई को, एक्स माइनस टू आई को मुझे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। ओके मिनिमाइज करनी है या ठीक है, तो मुझे मालूम चला यार कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज होगा, कुछ इस टाइप के इक्वेशन में कुछ इस टाइप का इसका लाइन होगा, सपोज कुछ इस टाइप का लाइन होगा, ठीक है, इस टाइप की कुछ लाइन होगा उसका, और इधर मैक्सिमाइज होता है और इधर मिनिमाइज होता है, तो मुझे तो मिनिमाइज करना है, तो मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करूँगा, ठीक है, चलो मूवमेंट करते हैं इसको। ओके चलो और मूवमेंट और बेस्ट फिजिबल डिजन अवार्ड मेरे पास है, तो मिनिमम कहाँ हुआ गाइज, 0-3 पॉइंट पे मिनिमाइज हुआ, ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पे हुआ, 0 और 3 पॉइंट पे, तो 0-3 पॉइंट यहाँ पे मैं बैठा दूंगा, ठीक है, तो 0 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6। ओके सो इसका आंसर क्या होगा गाइज, अच्छा मुझे x और y की वैल्यूज में ही बताना था, तो 0 और 3 पे होगा, ठीक है, 0 और 3 बी, और जब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो -6 आ जाएगा। ओके गाइज, ये ISI 2008 का क्वेश्चन नंबर 4th था। एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके ये तो मेरा पहला मेथड हुआ गाइस, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है प्राइम एंड डुअल प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम, ठीक है। ओके तो मैं इसको लास्ट में लूंगा, ठीक है, ये भी मेथड मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उससे भी जो उसको सॉल्व कर ले सकते हैं। ओके तो पहले जो मेरा बेस्ट जो इजी वे है पहले मैं उसको बताऊंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको छूटे ना एग्जाम में। ओके यहाँ तक गाइस कोई डाउट, कैन आई रिपीट दिस क्वेश्चन और आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो फोर्थ का बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके ये गाइस आपका आईआईटी जेएम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ओके 58 क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन गाइस, जैसे अब तक हम लोगों ने 3-4 जो क्वेश्चन किया है सेम डिट्टो उसी पे बेस्ड है, डिट्टो, ठीक है, आपको देखिए दे रखी है, आपको दे रखी है, तो पहला काम क्या है गाइस कि इसको मुझे बनाना है इंटरसेप्ट टर्म में, तो क्या मैं इसको इंटरसेप्ट टर्म में बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, 2x1 + 5x2 ओके लेस देन इक्वल टू 70, तो दोनों साइड 70-70 से कर दो डिवाइड, तो क्या मैं इसको 2x1 / 70 + 5x2 / 70 इक्वल टू, अभी कौन आ रहा है, ओके इक्वल टू 1, तो इसको मैं कट करके 35 और यहाँ पे कट करके आई थिंक 5 4 या 14, ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, x1 / 35 + x2 / 14 इज इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू कुछ भी लिखो आप 1, तो ये मेरा x1 का इंटरसेप्ट हो गया और ये मेरा x2 का इंटरसेप्ट हो गया, तो फर्स्ट इंटरसेप्ट क्या निकला, 35 और 14। गाइस क्या मुझे तुरंत कोई दूसरे वाले का इंटरसेप्ट बता देगा तुरंत, एनीवन, कि दूसरे वाले का इंटरसेप्ट क्या आएगा, कोई भी 2020 यस 2020 ओके
सो 2020 इंटरसेप्ट आ गया। ओके, पहला टास्क गाइस कंप्लीट। दूसरा टास्क क्या था कि अब इसको मुझे ड्रॉ करना है लाइन पर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरसेप्टम, इंटरसेप्टम। तो फर्स्ट इंटरसेप्ट गाइस क्या था मेरा, दैट इज 35 और 14। सेकेंड इंटरसेप्ट क्या था 2020। ओके ओके, दूसरा तीसरा अब दूसरा काम ड्रॉ करना है ना इसको, तो ओके तो कुछ इस टाइप का लाइन होगा, दैट इज एक्स वन और दैट इज एक्स टू, क्योंकि मेरा वाई नहीं है, एक्स टू के टर्म में, एक्स वन और एक्स टू के टर्म में। ओके, फर्स्ट 35 और 14, सपोज कि 35 कहीं यहाँ पे है और 14 गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सपोज लेट दिस 14, या लेट दिस 14। ओके ओके, सो क्या मैं इसको ला सकता हूँ? ओके तो ओके, अब 2020 गाइस, 20 में दूसरा पेन ले लेता हूँ, या तो कहीं 20, सपोज 35 से तो इधर ही होगा ना कहीं, 20 और ये 14 है तो इसके ऊपर होगा कहीं पे 20, सपोज लेट दिस इज 20। ओके, मैं 2020 लाइन को मिला देता हूँ, तो ओके ओके ओके, दूसरा टास्क कंप्लीट। तीसरा टास्क क्या था गाइस, बेस्ट फिजिबल रीजन निकालना विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी साइन, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये मेरा सेकंड लाइन है। ओके ओके, अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। फर्स्ट लाइन लेस देन, ये भी मेरा सेकंड लाइन में लेस देन। ठीक है, तो लेस देन लेस देन, तो ये मेरा सारा लेस देन। उसी तरह से इस फर्स्ट वाले लाइन का भी लेस देन लेस देन लेस देन। तो कॉमन रीजन गाइस क्या निकला, कॉमन रीजन, कॉमन रीजन, सो दिस इज द कॉमन रीजन ना, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज अ कॉमन रीजन। ओके, दिस पार्ट इज अ कॉमन रीजन फॉर बोथ। ठीक है ओके, फिर हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ सच तो। ठीक है, तो ये मेरी सारी बेस्ट फिजिबल रीजन आया विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनइक्वालिटी साइन। ओके 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 गाइस, चौथा काम क्या था, पॉइंट को निकालना। ए पॉइंट क्या हो गया 0 0, ए पॉइंट क्या हो गया 20 0, ए पॉइंट क्या हो गया 0 comma 14। गाइज ए पॉइंट मुझे कोई बता देगा इस लाइन में और इस लाइन को सॉल्व करके फटाफट से, कोई भी ए पॉइंट क्या होगा, कोई भी गाइज ए पॉइंट मुझे फटाफट से कोई बोल दे गाइज, दोनों लाइन 10 10 10। ओके, सो मुझे ये पॉइंट मालूम चला कि ये 10 10 पॉइंट होगा। ओके, चौथा काम भी कंप्लीट। पांचवा काम कि मुझे जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था उसको लेके आएंगे। ओके ओके गाइज, ए वाला लाइन है माइनस प्लस, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो कुछ इस क्वाड्रेंट में ये वाला लाइज होगा। ठीक है, माइनस प्लस तो कुछ इस क्वाड्रेंट में लाइज होगा। ठीक है, या फिर आप इसको लेट, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज यहाँ पे जेड है ना,
तो सपोज माइनस 0.2x1 + x2 = 10, कुछ भी लेकर आप इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद उसको क्वाड्रेंट में आप उसको ड्रॉ कर लेना, तो कुछ इस टाइप का लाइन आएगा, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही उसका ये होगा, ठीक है, जिस टाइप का लाइन आएगा। ओके 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 सो अब मुझे मैक्सिमाइज करना है इस 0.2x1 + x2, ठीक है, 0. मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है गाइस, 0.2x1 + x2 को मुझे मैक्सिमाइज करना है। ओके तो मुझे मालूम चला कि यार ये कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ स्टार्ट है ना, -0.2, ठीक है, तो कुछ इस टाइप के, मैं इसको थोड़ी और एक्सेस को बढ़ा लेता हूँ। ओके ठीक है, कुछ इस टाइप के आएगा, सपोज दिस लाइन, ठीक है, कुछ इस टाइप का लाइन आएगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ लाइन आएगा। ओके मुझे गाइज मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमाइज मिलेगा, नीचे की तरफ मूव करूंगा तो मुझे मिनिमाइज मिलेगा। ओके तो चलो अब मैं इस, मुझे मैक्सिमाइज पॉइंट ही तो निकालना है कि भाई इसके मैक्सिमम पॉइंट क्या है। ओके तो चलो मैं इसको मूव कराता हूँ और बेस्ट फिजिबल रीजन से। ओके नो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज नो, दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमम, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है गाइज, 0 और 14, ठीक है, 0 और 14, ओके ओके, और मुझे दे रखी है, ये मेरा एक्स वन पॉइंट हुआ और ये मेरा एक्स टू हुआ, क्योंकि मेरा एक्स वन एक्स टू कोऑर्डिनेट है। ओके ओके अब मुझे दे रखी है कि एक्स वन की वैल्यू ए है, एक्स टू की वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यूज क्या होगी, तो मैं ए, ठीक है, और एक्स वन इज इक्वल टू ए के बराबर है, एक्स टू इज इक्वल टू बी के बराबर है, तो मतलब ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू 14, अब मुझे दोनों को जोड़ देना है, तो 0 + 14 = 14, सो द करेक्ट आंसर इज इंटीजर, ये इसका इंटीजर टाइप के क्वेश्चन था आईआईटी जेम में, तो 14 जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ठीक है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो 5 स्टेप है, बस आप इसको अच्छे से समझ आना कि मैं आखिर में कर क्या रहा हूँ, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेंट की, कि इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि अरे किस इक्वेशन पर लाइज होगा, तो जो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड से कुछ पास होगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कुछ पास होगा। ओके ओके अब इधर मैं जाऊंगा तो मिनिमाइज, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैक्सिमाइज, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, और मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन पे मेरा कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है ना, ठीक है, तो मुझे मालूम चला कि 0 और 14 जो है मेरा मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है, और यही तो मेरा एक्स वन है, यही तो मेरा एक्स टू है, और एक्स वन की वैल्यूज ए है और एक्स टू इक्वल टू बी है, अब दोनों को जोड़ना है आपको ए प्लस बी, सो 0 + 14 = 14, गॉट इट, कैन आई रिपीट गाइज दिस क्वेश्चन, गॉट इट सर, या ठीक है, तो बस आपको 5 मेथड आपको रट लेनी है, ठीक है, कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन पेपर में करके आना, ठीक है, तो उसका आंसर 14 होगा, जो कि आईआईटी 2022 and 58 क्वेश्चन नंबर था। ओके 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 गाइज, आईएसआई 2018 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, मुझे ये दे रखिए, और गाइज मैं आपको बताया था माइक्रो के क्लास में, अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो, कि जब भी आप मेन फंक्शन देखें a माइनस एक्स वन बी माइनस एक्स टू, जो भी मेन फंक्शन के अंदर में है, आप दोनों को बराबर कर देना, दोनों को बराबर कर देना, ठीक है, दोनों को बराबर कर देना, क्यों, क्योंकि मिनिमम फंक्शन मेरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन सा गुड होता है, जैसे राइट सो और लेफ्ट सो,
जैसे मैं आपको बोला था ना कि सपोज ये x इक्वल टू y वाला लाइन है और x मेरा लेफ्ट शू है और y मेरा राइट शू है, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम यूटिलिटी होगी ना, सपोज मुझे 4 राइट शू मिलेगी और 5 4 लेफ्ट शू मिलेगी तो मैं इस पॉइंट पे मैं मैक्सिमम होगा। अगर मुझे 5 अगर मुझे लेफ्ट शू मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, अगर मुझे राइट शू ना मिले तो मुझे कितनों भी ये मुझे मिल जाए लेकिन मेरी यूटिलिटी फिर भी इसी पॉइंट पे रहती है। उसी तरह से मेरी अगर सिर्फ मैं राइट शू को मैं आपको ज़्यादा दे दूँ, 10 मैं आपको राइट शू दे दूँ और मैं आपको लेफ्ट शू 4 ही दूँ, तो आपकी यूटिलिटी इसी पॉइंट पे रहेगी ना। रैप लेफ्ट शू लेके आप क्या कीजिएगा विदाउट लेफ्ट शू के, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी यहीं पे रहेगी ना। तो ये क्या हो गया, ये बराबर पॉइंट है ना कि आपको जितनी लेफ्ट शू चाहिए इज इक्वल टू राइट शू चाहिए, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमाइजिंग योर मतलब आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है कब, जब ये दोनों बराबर होती है। किस केस में, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, मिनिमम को देखते हुए, मीन, जहाँ पे आपको मीन दिखे बस दोनों को बराबर कर देना, ठीक है, ओके। तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, A1 minus, जब ये मैक्सिमम रहे फिर भी कुछ मतलब नहीं, मैक्सिमम नहीं यार, जब अगर मैक्सिमम होगी तो फिर वो तीन केस बन जाता है सिमिलर टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर यहीं पे अगर मैक्स होता है ना, मैक्स अगर यहाँ पे मैक्स होता, सपोज यहाँ पे मैक्स होता तो फिर यहाँ पे केसेस बनते, वो आपके डिपेंड करते बजट लाइन पे, वहाँ पे इक्वल तो होगा, इक्वल तो होगा, इक्वल होगा, लेकिन उसका एक अलग कंडीशन लगती है विथ रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ओके। या फिर एक कंडीशन आप याद रख लेना कि अगर आपको कोई मिनिमम फंक्शन दे रखी, एक क्वेश्चन है इस पे मैं भी कराऊंगा, आपको मिनिमम है और आपको कोई फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है या फिर अगर मैक्सिमाइज फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो दोनों बराबर होते हैं, बस अब इसको कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम सब समझ लेना, दोनों को बराबर आएगा। कोई भी मीन फंक्शन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है या फिर अगर कोई मैक्स फंक्शन दी हुई है अगर इसको मिनिमाइज करना है तो दोनों बराबर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी इस पर, एक क्वेश्चन है इस पर, आई थिंक ISI या IIT लेवल के, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक UGC नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ओके, गॉट इट, ओके, सो ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला कि जहाँ पे भी मीन है मैं दोनों को बराबर कर दूंगा, ठीक है, या तो A1 माइनस X1 इज इक्वल टू B माइनस X2, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या मैं इसको, ये मैं X1 को उधर लेके गया, X1 माइनस X2 इज इक्वल टू A माइनस B लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ गाइज, X1 माइनस X2 इज इक्वल टू B। यही तो मुझे पूछा है गाइज कि X1 माइनस X2 स्टार क्या होगा, दैट इज A माइनस B, सिंपल आंसर C, सिंपल आंसर, ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये मुझे दे रखी थी कि F4 एक मेरी फंक्शन है, मीन इज इक्वल टू दिस, तो मैंने जब जब मैंने मीन फंक्शन को देखा तो मेरे माइंड में हिट किया कि यार ये तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होता है, और ये दोनों को जब मैं इक्वल कर दूंगा तो मुझे वहाँ से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम जो भी कुछ बोलो, मतलब मुझे वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, A1 माइनस X1, ठीक है, X2, और यही तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है ना स्टार, तो इसी को मैंने स्टार बोल दिया कि X1 स्टार माइनस X2 स्टार इज इक्वल टू A माइनस B, तो सी जो है मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ओके गाइज, 19 का सी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मीन फंक्शन जहाँ भी दिखे
दोनों को बराबर कर देना, दोनों को बराबर करोगे वहां से मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, जो भी आपको मैक्सिमाइज आपकी यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज कर देगा। तो मैंने जस्ट दोनों को बराबर किया, तो मैं एक्स वन थोड़ी सी इसको रीअरेंज किया, तो मुझे मालूम चला कि यार यही तो मेरी यही तुमको निकालना है, एक्स वन माइनस एक्स टू स्टार, और ये किसके बराबर है, ये माइनस बी, जो कि मेरा सी ऑप्शन के साथ मैच हो गया। ओके ओके भाई सही, 2017 टू या क्वेश्चन नंबर 7। ओके ओके एक कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है गाइस, तो आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है, इसकी वैरायटी अलग है, ठीक है गाइस। मैं आपको पहले ही बोल दे, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे है, वो मैंने दो ही तीन लिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेके कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग वैरायटी का लिया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला कि यार यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस टाइप की क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किया ना, इस टाइप के लाइक ये वाला, इस टाइप के जो मेरा 5 रूल था, इस टाइप के भर भर के आपको JNU में मिलेगा, SNU, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, भर भर के, तो मैंने नहीं लिया, बस मैंने ISI और IIT के प्रॉब्लम्स को ही लिया, ठीक है। तो सिमिलर डिट्टो आपको एकदम भर भर के उस मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया और CUT वगैरह में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ अलग फ्लेवर का गाइस लेता हूँ यहाँ पे। ओके ओके ISI 2017 क्वेश्चन नंबर 7। ओके मुझे सब्जेक्ट टू दिस, मैं जहाँ पे भी देखा कि ये मेरा कंस्टेंट है, पहला रूल माइंड पे मैं लेके आया कि यार मुझे इसको क्या बनाना है, इंटरसेप्ट में बनाना है, तो px प्लस y लेस देन इक्वल टू 10, तो मैं सिर्फ इक्वल टू लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ। सो px बाय 10 प्लस y बाय 10 इज इक्वल टू 1। ओके गाइज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन बाई पी, ये p को मैं नीचे लेके आऊँगा, 10 बाय p, सेम ए पी ऊपर चले जाएगा, सेम चीज़, तो मैं p को यहाँ पे नीचे में लिख दिया, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, y बाय 10 इज इक्वल टू 1। ओके तो ये मुझे x की इंटरसेप्ट मालूम चली, ये मुझे y की इंटरसेप्ट मालूम चली। ओके तो मेरी इंटरसेप्ट गाइस क्या निकली, 10 बाय p, और दूसरा इंटरसेप्ट मुझे निकला 10। ओके फर्स्ट काउंट कंप्लीट हो गया। ओके सो इंटरसेप्ट क्या निकली गाइस, कि 10 बाय p और 10। ओके दूसरा काम क्या था, कि मुझे लाइन बनानी है इसकी, चलो लाइन बनाते हैं। ओके सो ये मेरी x होगी, ये मेरी y होगी, ये 10 बाय p, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो 10 बाय p का यहीं पे आया होगा, और 10 सपोज यहाँ पे कहीं पे आया होगा। ओके ओके सो दोनों को गाइज मिला देता हूँ, ओके 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 गाइस मुझे मैक्सिमाइज करना है माइनस एक्स प्लस वाई। ओके अब तो मुझे इसके ग्राफ नहीं मालूम है ना कि इसके ग्राफ क्या होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है यार, क्योंकि ये अलग ही है, ये तो लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर होता तो यार मैं एक पॉइंट से उसको दिखा देता, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यार अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे जैसे ऐसे हम लोग पिछले वाले पार्ट में हम लोग करते थे ना कि लाइक ऐसे हम लोग लीनियर वाला ग्राफ हम लोग दिखा देते थे, बट यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर कुछ इस टाइप के होता है ना, एक्स प्लस वाई जिसकी पावर 1, 1, ठीक है, तो ये मेरी लीनियर, बट ये मेरी कुछ अलग ही टाइप का ग्राफ है जो मुझे नहीं मालूम है कि भाई इसकी ग्राफ क्या होगी। अब मैं हेल्प लूँगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस का, देखो कैसे सॉल्व होगी ये क्वेश्चंस, ठीक है।
ओके मुझे क्या देख, मुझे मैक्सिमाइज किसको करनी थी गाइज, 1/x को प्लस y इज इक्वल टू, सपोज कोई कांस्टेंट टर्म है, सपोज लाइक 10, कुछ भी लो, 100 माइनस 100, 50, 100, 1000, कुछ भी, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म होगा दिस, ओके ओके। अब मैं इसको गाइज डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 10, उधर इसको मैं उधर लेके गया, ओके। अब मैं इसको गाइज क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ dy by dx, सर ये पूरा स्टेप वापस सर ये शुरू से बताएंगे, कौन वाला, इंटरसेप्ट वाला, सर नहीं सर ये माइनस 1/x प्लस y इक्वल टू 10, अब सर आपने कहाँ से फिर लिखा है ये वाला, मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कि इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्स फंक्शन नहीं है, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको, समझ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने की ये मेरा मैक्सिमाइज है, ये नहीं है मेरा मैक्सिमाइज, ये नहीं है, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको, और मुझे इसे ग्राफ नहीं पता है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, लीनियर होता तो मैं डायरेक्ट लाइन से इसको बता सकता था कि हाँ यार इसके ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, मुझे नहीं मालूम कि भाई ये ग्राफ क्या है, तो मुझे निकालना होगा ना कि ये ग्राफ एक्चुअली में क्या है, लाइक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है मुझे नहीं मालूम है, तो मैं हेल्प ले रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, बस आप थोड़ी सी देखें इसको, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ओके। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मुझे इसको मैक्सिमाइज, लेकिन सर आपने इसको इक्वल टू 10 कैसे लिखा है सर, यहाँ पे सपोज ए इक्वल टू, मुझे इसको मुझे मैक्सिमाइज करनी है, माइनस 1/x प्लस y इज इक्वल टू, मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया कि कोई कांस्टेंट के बराबर होगा, कुछ भी कांस्टेंट, 10, 20, 50, आप जो बोलो, ठीक है, अगर आप नहीं भी अगर लोगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा ना, मैंने वो कांस्टेंट लिया 10, आप कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20, u, v, w, x, y, z, कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो फिर वो जीरो ही बन जाएगा ना, ओके तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1/x स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है, देखो जीरो बन गया, ओके ओके। तो मुझे मालूम चला कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, a वाले का जो स्लोप है a ए है, ठीक है, ओके, मैंने तो स्लोप निकाल लिया, अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्यों मैं इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और एक बार x के रिस्पेक्ट पे, तो और एक बार मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2/x³ आएगा, गाइस सिंपल डेरिवेटिव है ये, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सब इसको कर लेंगे, सिंपल डेरिवेटिव, ओके। क्या मैं इसको बता दूँ कि ये 2/x³ कैसे आया, ये आप लोग समझ गए, समझ गए सर, सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल, ओके या ये ओके गाइस, लेकिन ये मेरी पॉजिटिव आ रही है, ये मेरी पॉजिटिव आ रही है, ओके ओके, ये मेरी पॉजिटिव, गाइस कॉनकेव कॉन्वेक्स की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज, अगर आपको डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है तो मेरी कौन सा शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स आईसीज या कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, अगर मेरी ये लेस देन होती तो मेरी कौन सी शेप बनती, कॉनकेव आईसीज बनती, गाइस बेसिक नॉलेज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो बस अब ये चीज याद रख ले कि अगर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होती है, गाइस डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होती है तो मतलब मेरा मिनिमम वैल्यूज कहाँ से निकलती है, ये वाला ना मिनिमम वैल्यूज, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, उसी तरह से जब लेस देन जीरो होती है तो मतलब मेरा मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कहाँ पे, ये वाला मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, ये मेरा क्या है, कॉनकेव है, ये मेरा कॉनकेव है, या फिर अगर आपको इससे भी नहीं समझ आता है तो आप एक चीज़ याद रख ले, मैं आपको एक बहुत ही ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कोई भी ग्राफ दे रखिए, कोई भी ग्राफ, सपोज लाइक कि आपको ये ग्राफ है, आपको ये ग्राफ है, आपको ये ग्राफ है,
आपको सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, या फिर आपको सपोज लाइक दिस एक्स क्यूब की ग्राफ, ठीक है, मुझे बताना है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स है। आप याद रख लेना, यहाँ पे एक लाइन खींच देना, ठीक है, ये मेरा लाइन है, ये मेरा कर्व है, ठीक है। अगर लाइन ग्रेटर देन कर्व हुआ तो उसको बोलना कॉन्वेक्स, या फिर लाइन अगर लेस देन कर्व हुआ तो उसको बोलना कॉनकेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन खींचा तो लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, ये मेरा कर्व पार्ट है अप टिल दिस पॉइंट, ठीक है, तो लाइन इज ग्रेटर देन कर्व दैट इज कॉन्वेक्स। यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया, कर्व इज ग्रेटर देन लाइन दैट इज कॉनकेव, तो ये मेरा कॉनकेव हो गया। सिमिलरली ये क्या होगा, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, लाइन खींच दे, ये मेरा कर्व का पार्ट हो गया, ये मेरा लाइन हो गया, लाइन इज ग्रेटर देन कर्व दैट इज कॉन्वेक्स, तो ये मेरा कॉन्वेक्स हो गया। उसी तरह से ये वाला, समझ गए, बताइए ये वाला क्या होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, फटाफट से, ये क्या होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन अगर खींचूंगा तो लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, अगर मैं यहाँ खींचूंगा तो कर्व इज ग्रेटर देन लाइन, जो जो कि ये मेरा नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स, ये किसकी ग्राफ है, एक्स क्यूब की, ठीक है, ये मेरी, ये तो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लाइक ये वाला मेरी, ये तो शायद एक्सपोनेंशियल का है ना, ये एक्सपोनेंशियल का और ये लॉग का, ठीक है, तो ये मेरा नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स। उसी तरह से आप साइन का ले लो, लाइक साइन कॉस कुछ भी, ठीक है, तो उस तरह से आप गाइस हर किसी का बना सकते हैं। इसमें मैं आऊँगा कॉनकेव कॉन्वेक्स में जब पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे आपको, ठीक है, तो आप ये नोट कर ले गाइस, ठीक है, ये जस्ट इंस्टेंटली है, ठीक है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट माइक्रो में यूज़ मत करना, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर मैथमेटिक्स, ओके, क्योंकि माइक्रो में आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ही रॉन्ग रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ इन कॉनकेव और माइक्रो कॉन्वेक्स में, आप यूज़ मत करना इसको। ओके गाइस, तो मेरी सेकंड डेरिवेटिव क्या आई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो कॉनकेव, सॉरी पॉजिटिव, या जब पॉजिटिव आया तो मेरा कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप, ओके, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स, तो कुछ इस टाइप पे मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है, ये मेरा, अगर इससे कम लेंगे तो ये मेरा मिनिमम होगा, और कम लेंगे तो मिनिमम, तो ऊपर की तरफ मैं इधर जाऊंगा तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, इधर जाऊंगा तो मिनिमम, तो इसी पॉइंट पे तो मेरा मैक्सिमाइज होगा गाइस, मैक्सिमाइज इसी पॉइंट में, तो इस पॉइंट में क्या दोनों का स्लोप इक्वल है ना, ये लाइन का स्लोप एज वेल एज इसका स्लोप, ये कर्व का स्लोप, एक कर्व का स्लोप, एक कर्व का स्लोप क्या है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज कर्व, ये कर्व का स्लोप है ना, एक कर्व का स्लोप है, दिस इज कर्व का स्लोप, इक्वल टू लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप गाइस क्या हो गया, लाइन का स्लोप आपको क्या दे रखी है, ये मेरा लाइन हुआ ना, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई, टेन डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ एक्स, टेन बाय पी, टेन टेन कैंसिल, ये पी ऊपर चले गया पी, बट ये नेगेटिव है तो माइनस पी, माइनस पी, माइनस पी, सो माइनस पी, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो मैं ये एक्स को यहाँ लेके गया, पी को नीचे लेके आया, सो वन बाय पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय पी, सो एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट, ठीक है, प्लस माइनस रूट पी, ठीक है, लेकिन मुझे पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है तो मैं माइनस को नहीं लूंगा, ओके, सो
The correct option is B. Okay, so B is a correct option. Okay, guys, any doubt? Can I repeat again? Can I repeat? Yes, please repeat the last part. Okay, last part. No, 10 by P, no. 1 by root P, no. 1 by root P. Yeah, yeah, 1 by root P. Yes, sir. Yes. Sir. Okay, okay. Then fine. Yeah, 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 sorry. Actually, mistake, okay? Sorry. Not 10 by P, that is... आप लोगों को बोलना चाहिए ना क्योंकि आंसर तो 1 by P आया, तो 10 by P तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो 1 by root P. मैं को क्रॉस चेक कर लेता हूँ. या 1 by root P ना, तो 1 by root P कहाँ है? यहाँ है ना, तो C होगा ना. सी आंसर होगा. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को. गाइस देखना, सब्जेक्ट टू मेरे कांस्टेंट था. मेरा पहला रूल क्या था कि मुझे इंटरसेप्ट टर्म निकालना है. ओके, तो मैंने दोनों साइड डिवाइड करके जो मेरा रूल था मैंने इंटरसेप्ट निकाल लिया. ओके, मैंने इंटरसेप्ट को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, 10 बाई पी और 10. ओके, अब गाइज मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, ये क्या है यार, ये तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई, ये तो लीनियर नहीं है ना, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है. ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, पैराबोला है, परबोला, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है. मुझे नहीं मालूम है कि ये शेप क्या है. ठीक है, तो मैं इसकी शेप, ये इसकी शेप को मैं डबल डेरिवेटिव के हेल्प से बताऊंगा. ठीक है, डबल डेरिवेटिव के हेल्प से मैं बताऊंगा कि क्या है. ओके, ये मुझे इसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैंने और इज इक्वल टू 10, मैंने कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज यू ले ले, यू बार. ओके, यू बार इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, दैट इज यू बार. तो मैं वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस यू बार लिखा. ओके, अब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स किया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0, इसकी डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट के 0. ओके, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यही तो स्लोप होता है गाइस. डी वाई बाई डी एक्स इज अ स्लोप. ठीक है, तो मुझे इसका तो स्लोप मालूम चल गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम चला कि इसकी शेप क्या है. ठीक है, मुझे इसकी शेप मालूम नहीं चला कि इसकी शेप क्या है, तो मैं डबल डेरिवेटिव किया कि ओके, तो मैं डबल डेरिवेटिव किया. तो डबल डेरिवेटिव मैं जैसे ही किया तो ये पॉजिटिव आ गया, और जैसे ही गाइस पॉजिटिव आया, ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव, ओके, तो जैसे ही ये पॉजिटिव आया तो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो मेरा बेसिक रूल था मैंने वही यूज किया. जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस टाइप में मेरा शेप कॉन्वेक्स होता है, और जब ये लेस देन जीरो होता है तो मेरा कॉनकेव होता है. ठीक है, तो मुझे मालूम ये मेरा पॉजिटिव आया तो यार ये कॉन्वेक्स होगा, तो कुछ इस टाइप के कुछ कॉन्वेक्स कर्व होगा, इस टाइप के कुछ कॉन्वेक्स होगा. ठीक है, बट मुझे इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज. तो मैक्सिमाइज में ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, मुझे मिनिमाइज करना था तो मैं नीचे की तरफ मूवमेंट होता. चलो मैं इसको जो है वही चीजें वही है, बट थोड़ी सी यहाँ पे मेथड अलग है. ठीक है, तो चलो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ. मैक्सिमाइज यहाँ पे, नो दिस इज नॉट अ पॉइंट, तो मैं अब यहाँ पे मेरा मैक्सिमाइज होगा, यहाँ पे मेरी मैक्सिमाइज होगा. ओके, सो ये पॉइंट पे मेरी मैक्सिमाइज होगा. गाइज ये पॉइंट क्या है, दोनों का स्लोप ही तो है, ये लाइन का स्लोप और इसका स्लोप. इसका स्लोप तो मुझे पता है कि माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू, मुझे चाहिए इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप. तो इस लाइन का स्लोप ना, यही तो होता ना स्लोप, दैट इज दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट. तो दिस पार्ट कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 10 बाय पी माइनस, दिस इज माइनस. ठीक है, तो ये 10 कैंसिल, पी ऊपर चले गया. ठीक है, तो माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल, सो 1 बाय पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
So x is equal to 1 by root p, यहाँ पे plus minus, लेकिन मुझे positive values लेगी, question में दिया हुआ है x और y greater than equal to 0, तो मैं minus की sign नहीं लूंगा, तो x is equal to, यही मेरे maximum point है, तो आप इसको star बोल दे, is equal to 1 by root p, ठीक है, जो कि आपका option number c के साथ match हो गई. ठीक है, इसका d आई थिंक none of the above था, none of the above या फिर none of the above, ठीक है, d part, क्योंकि guys ISI को favorite है none of the above, ठीक है. Okay, so we'll move to the next question guys. Okay, ISI 2021 PB question number 21. मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज, आप मुझे तुरंत बताइए इसका कि आपको मैक्सिमाइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और आपको एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है. क्या मुझे कोई बता सकता है इसको मुझे मैक्सिमाइज करनी है? Guys confused, x square plus y square, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x minus this square plus y minus 0 का square is equal to some constant term like 10, 5, 15 कुछ भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे suppose मैंने 25 लिया, guys this is equation of circle, okay, circle guys, ठीक है, basic चीजें, ठीक है. तो और मुझे x प्लस वाई, तो मेरा लाइन कुछ x प्लस वाई वाला ये लाइन है, ठीक है, और जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो मुझे कुछ जीरो जीरो पॉइंट से यहाँ पे लाइज होगा, तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट इस टाइप का होगा, ठीक है. तो मेरी मैक्सिमाइज इस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट क्या है, दैट इज 1 0 एंड 0 1, तो दो ही पॉइंट है, चाहे 1 0 या फिर 0 1, दो पॉइंट है. किसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, पहले इसको लो, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 1, उसी तरह से आप इसको पुट करो, लाइक 0 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 होगी इसकी वैल्यूज. ठीक है, पी बी का पार्ट था ISI 2021. ओके, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आता है ना, कॉर्नर सॉल्यूशन, टेंजेंसी सॉल्यूशंस, फिर उसके केसेस आते हैं, जैसे हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर में किया था ना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में 3 केसेस वहाँ पे आता है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बेसिक माइक्रो पे बेस्ड था, तो मैंने सोचा कि आपको करा दूँ. ओके 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 गाइस, मैंने जस्ट अभी जो पीछे वाला पार्ट किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 7 डिट्टू क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है ISI 2016 का क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है गाइस, देखो मुझे कंस्टेंट दे रखी है, ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मेरा लीनियर है, लेकिन दिक्कत गाइज यहाँ पे आ गया ना, अभी क्यूब में है, एक्स वाई में है, अब तो मुझे इसका ग्राफ ही नहीं पता है ना कि भाई ये ग्राफ क्या होगा. ठीक है, तो मैं किसका हेल्प लूँगा, ओके, रिमेंबर द क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब मैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करूँगा. ठीक है, सेम चीज़ है, ओके, अगर यहाँ पे लीनियर होता तो मैं यार इजिली, जो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में जो मैंने किया था 4-5 क्वेश्चन लगा था, तो मैं इजिली वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ पे अलग ही है, माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy, मुझे नहीं पता कि यार क्या है ये, हाइपरबोला है, पैराबोला है, लाइक ठीक है, एक्सपोनेंशियल, मतलब कुछ भी मुझे नहीं मालूम कि ऐसे ग्राफ क्या होगी. ओके, तो मेरा फर्स्ट काम क्या था कि कंस्टेंट को पहले उसका इंटरसेप्ट निकालना है, बेसिक रूल. ठीक है, बेसिक रूल पे मैं पहले जाता हूँ,
ओके गाइस ये वाला मुझे दिया हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ी सी इसको अलग वे में सॉल्व करता हूँ. ओके क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है, ये मुझे एक बेनिफिट है, ठीक है. यहाँ पे इक्वल, अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होता तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे नहीं बैठा सकता. मैं यहाँ पे इसको इसलिए बैठा रहा हूँ ताकि मुझे इक्वल साइन है, इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल साइन है, तो मैं यहाँ पे इक्वलिटी का फायदा उठाऊंगा. ओके सो एक्स इज इक्वल टू 5 + 2y. ओके एक्स इज इक्वल टू 5 + 2y. अब ये एक्स जो मुझे आया ना, अब मैं ये वाला इस वाले इक्वेशन पे डाल दूंगा, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा. ओके तो जब मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, 3x into y, y का जगह में क्या आएगा, 5 + 2y. 5 + 2y, नो एक्स की जगह में तो हमने पुट किया ना, तो एक्स क्यों आएगा, ठीक है, 3 × x, एक्स की जगह में मैंने ये पुट किया वाई, वाई माइनस वाई क्यूब. ये मेरा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एफ इज इक्वल टू दिस. सपोज ये मेरा एफ के बराबर है, ओके एफ के बराबर है, दैट इज दिस. क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ गाइज? ठीक है, जस्ट 3, अब मैं y को अंदर लेके गया, 5y + 2y² - y³. ओके दैट इज 15y + 6y² - y³. लिख सकता हूँ गाइज मैं इसे. ओके गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ये दे रखा था सब्जेक्ट टू, ये मुझे कंस्टेंट दे रखा था, बट मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन नहीं था, मुझे इक्वालिटी का साइन था, इक्वल, तो मैंने इक्वल का फायदा उठाया. मैंने यहाँ से एक्स को निकाला, एक्स को निकाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे कुछ इस टाइप का मिला, ये दैट इज एफ. ओके तो मैं इसको अब नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ. ओके तो मैं यहाँ पे एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आया था गाइज, क्या आया था एक बार मैं फिर से. ओके तो मैं थोड़ी सी इसको रीअरेंज कर देता हूँ. ओके थोड़ी सी मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, -y³ + 6y² + 15y, ठीक है, सेम चीज़ है, मैं बस थोड़ी सी इसको रीअरेंज किया, ठीक है, -y³ + 6y² + 6y² + 15y. ओके ये है. अब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, ∂f/∂y या फिर df/dy, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, दैट इज, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, -3y² + 12y + 15 = 0, 15 = 0, ओके 15 = 0, ओके ओके. अब मैं 3 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, कर सकता हूँ, -y² + 4y + 5 = 0. ओके ओके अब मैं माइनस को उधर लेके प्लस कर देता हूँ, y² - 4y - 5 = 0. अब मैं इसको फैक्टराइज लूँगा, फैक्टराइज, ओके बेसिक फैक्टराइजेशन, y को मैं कॉमन लूंगा, y - 5 + 1 कॉमन लूंगा, y - 5 = 0, तो y + 1
y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. सो y का वैल्यू एक बार आएगा माइनस वन और एक बार आएगा फाइव. जब दोनों को जीरो के इक्वेट करेंगे तो मुझे दो वैल्यूज आई. ओके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. मैंने इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके मैंने गाइस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव तो किया था, अब मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा ताकि मुझे जो है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का पता चल सके. ठीक है, तो मैं इसी को अब मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ उसी को ही. ठीक है, इसी को ही. जब मैं इसी को डबल डेरिवेटिव करूँगा, ये मेरा डेल एफ बाई डेल वाई है, दैट इज टोटल. ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई, तो मैं इसी को जब डबल डेरिवेटिव करूँगा, डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सिक्स वाई प्लस ट्वेल्व. ओके, माइनस सिक्स वाई प्लस ट्वेल्व. ओके गाइज, जब वाई का वैल्यू माइनस वन होगा, यहाँ पे पुट करो माइनस वन, तो माइनस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस फिफ्टीन, तो ये सिक्स प्लस फिफ्टीन ये मेरा पॉजिटिव बन गया. उसी तरह से जब y का वैल्यू 5 पुट करोगे, सर इट्स 12 नॉट 15. व्हाट? इट्स 12 नॉट 15. माइनस 6y प्लस 12. सॉरी, दैट इज 12. ओके, या तो यहाँ पे भी 12. ओके, तो यहाँ पे भी 12. तो ये जो भी मेरा आएगा 6 प्लस 12, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. ओके, जब मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो माइनस सिक्स इंटू फाइव प्लस ट्वेल्व, तो सिक्स फाइव से माइनस थर्टी प्लस ट्वेल्व, तो ये जो भी आएगा नेगेटिव आएगा. ठीक है, नेगेटिव आएगा. ओके सो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है तो इस केस में हमको जो भी वैल्यूज मिलती है दैट इज मिनिमम. ओके, और जब मेरा डेल एफ बाय डेल वाई स्क्वायर जब मेरा लेस देन जीरो होता है तो इस केस में हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलती है. और जब मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम में ग्राफ कैसा होगा, दैट इज कॉन्वैक्स. मैक्सिमम मिनिमम होगी तो कौन सा, कॉन्वैक्स, दैट इज मिनिमम. वही मैंने किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम चीजें. तो मुझे मिनिमम मिल रही है ना यहाँ पे. ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या था, हाँ मुझे मैक्सिमाइज करना है गाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइज कब होगा, लेस देन जीरो पे. लेस देन जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे. लेस देन जीरो इस पॉइंट पे ना, मतलब वाई की वैल्यू फाइव है. ओके, मतलब वाई की वैल्यू फाइव है. ओके, सो वाई की वैल्यू फाइव. ठीक है, और एक्स मैंने क्या यहाँ से निकाला था, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस टू वाई. तो x इज इक्वल टू फाइव प्लस टू और y का जगह में क्या था, फाइव. सो x इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन. सो x इज इक्वल टू फिफ्टीन और y इज इक्वल टू फाइव. ठीक है, तो कौन सा आंसर है, ए नहीं, बी नहीं, सी, या सी. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, ठीक है, तो जब भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम को देखें, तो यहाँ पे एक हिंट क्या था गाइस, कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, तो मैंने इक्वालिटी का फायदा उठाया. ठीक है, मैं जस्ट एक्स को मैंने एक्सट्रैक्ट किया और एक्स को एक्सट्रैक्ट करके मैंने इस पे मैंने पुटअप कर दिया. और जैसे ही मैंने पुट किया तो मुझे इस टाइप का मुझे एक क्या मिला, फंक्शन मिला, एफ इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ओके, तो मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डेल एफ बाय डेल वाई. ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्रिटिकल पॉइंट को निकाला, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा माइनस वन और फाइव.
ओके यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन अब मुझे बताना है कि यार ये क्या है, ये जो पॉइंट हम निकाले हैं ना, ये पॉइंट क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट मुझे कैसे मालूम चलेगी? विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है? तो मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला तो मुझे ये मिला, ठीक है? या तो मुझे -6 ओके -6y + 12 मिला, ठीक है? और मैंने जैसे ही पुट किया -1, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे पॉजिटिव साइन मिला, और जब मैंने 5 किया तो मुझे मिनिमम मिला, ठीक है? तो जब डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होती है तो वही मेरा मैक्सिमम होता है, उल्टा, ठीक है? यहाँ पे उल्टा साइन होता है, तो बस अब इसको इस वे में याद रखना, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम, और मिनिमम का मतलब कॉन्वेक्स, ठीक है? लेस देन जीरो का मतलब क्या? मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब कॉनकेव, ठीक है? तो मुझे मैक्सिमम तो करना है ना, तो मैक्सिमम किस केस में आ रहा है? लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो कौन वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है ना, लेस देन जीरो, ये वाला पार्ट में क्या है? y = 5 है ना, y = 5 है, ओके? तो मुझे मालूम चल गया कि y = 5 है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 5 पुट कर दिया, 5, सो x = 5 + 2 5, तो x = 5 + 10, सो दैट इज 15, तो 15 और 5, सो 15 और 5 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है, ओके? ये बहुत ही स्टैंडर्ड हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है, ठीक, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है? इससे आपका लेवल और कभी हार्ड नहीं हो सकता है, ठीक? ये सबसे हाईएस्ट लेवल के मतलब टफेस्ट लेवल का पेपर माना जाता है, क्योंकि मैंने जितना भी पेपर अब तक सॉल्व किया है मुझे सबसे हाईएस्ट इस टाइप के ही मैक्सिमम मिला है इस टॉपिक में, एलपीपी में, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ओके गाइस? कैन आई रिपीट और आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है? तो आप, मैं जैसे जैसे गाइस मेथड को बता रहा हूँ, प्लीज आप उस मेथड को रट ले, मेथड को आप याद कर ले, कुछ भी, लेकिन आपको एग्जाम में बस वही मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर सोचे, आपको वही याद होती है जिसमें आपकी प्रैक्टिस खूब है, जो चीज़ आपको याद है कि हाँ ये क्वेश्चन हम ऐसे किए थे वैसे किए थे, ठीक है? वही चीज़ आपको याद रहती है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो मेरा डिस्कशन सेशन है टोटल बेस्ड है PYQ पे, ठीक है? तो अगर आप PYQ को अगर अच्छे से कर ले विद कॉन्सेप्ट के साथ, विद कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन के बिहाइंड द मतलब सीन क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो फिर आपको हर चीज़ ईजी हो जाता है, ठीक है? तो आप कॉन्सेप्ट को याद कर ले, क्वेश्चन को नहीं, ठीक है? ओके, ये है आपका ISI 2015 क्वेश्चन नंबर 19। गाइस एक चीज आप, मैंने आपको बताया था कंज्यूमर बिहेवियर में जब किया था 2 या 3 क्लास उसमें मैंने लगाया था, और मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस दिखे तो वहाँ पे तीन केसेस होती है, बजट लाइन लेस देन इक्वल टू आई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ पे मेरा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ऑल ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जीरो। दूसरा केस क्या था कि जब बजट लाइन ग्रेटर देन इंडिफरेंस कर्व होगा तो मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो और कंज्यूमर पूरा वाई कंज्यूम कर जाएगा, पूरा वाई बट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा मेरा क्या था कि जब बजट लाइन इज इक्वल टू ICs के बराबर होता है तो उस केस में जो है कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट होता है, इसमें वो कहीं पे भी जो है इन बिटवीन कंज्यूम कर सकता है, दैट इज बेसिक, ठीक है? ये आपको पता होने चाहिए गाइस, ओके। मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, एक्स स्टार वाई स्टार द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, मैक्सिमाइज करना है रूट एक्स प्लस वाई। गाइज लीनियर प्लस नॉन लीनियर दैट इज कोसाइन लीनियर, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट मेरी माइक्रो में यूज होती थी, लीनियर प्लस नॉन लीनियर इज इक्वल टू कोसाइन लीनियर, ठीक है? ये तो मेरा पावर वन है, यहाँ पे पावर हाफ है, नॉन लीनियर है, तो लीनियर प्लस नॉन लीनियर दैट इज कॉल्ड कोसाइन लीनियर, ओके ओके।
सो मुझे दे रखी है कि रूट एक्स प्लस वाई, ओके, सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस वाई, पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, इक्वल टू एम, ओके गाइस, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं कैसे स्लोप निकालना हूँ, निकालूंगा कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है पी डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई वन, तो इसकी स्लोप क्या निकली पी, ठीक है पी, ओके तो जब मैं अगर इसको अगर मैं ड्रॉप करूंगा सपोज लाइन पे, मैं पीस ले लेता हूँ, ओके गाइज मुझे मैक्सिमाइज करना था किसको, रूट एक्स प्लस वाई को, और मुझे दे रखी थी क्या सच दैट पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, ठीक है ओके, मैं दोनों साइड एम एम से डिवाइड किया, ओके ओके सो पी एक्स बाय एम प्लस वाई बाय एम इज इक्वल टू वन आएगा, ओके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डिवाइडेड बाय एम बाय पी, सेम चीज है ये पी ऊपर चले जाएगा सेम चीज, प्लस वाई बाय एम इज इक्वल टू वन, ये मेरा एक्स का इंटरसेप्ट, ये मेरा वाई का इंटरसेप्ट बना बना ना, ओके सो एक्स का इंटरसेप्ट सपोज कहीं एम बाय पी यहाँ आया होगा, ओके ओके और एम कहीं यहाँ पे आया होगा, ओके ओके ठीक है ओके अब मुझे गाइस इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे नहीं पता, अब सेम रूल मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन पे किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, ठीक है जब मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सपोज लाइक दिस इज रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट टर्म सपोज यू बार, तो मैं इसको वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स प्लस यू बार लिख सकता हूँ, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का क्या होगा गाइज वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है ही होगा ना माइनस वन बाय टू एक्स, ओके ये तो होगा इसका स्लोप, माइनस रूट एक्स का क्या होगा माइनस होगा ना गाइज यहाँ पे माइनस होगा ना, आप मुझे कोई कन्फर्म बता दें माइनस होगा ना यहाँ पे माइनस, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे तो माइनस है तो ये तो माइनस हो गया, रूट एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स या माइनस वन बाई टू रूट एक्स, कोई मुझे बताए फटाफट, ओके सही है माइनस है ना माइनस होगा ना वन बाई टू रूट प्लस होगा, तो ये मेरा क्या बन गया वन बाय टू रूट एक्स मेरा बन गया, ओके अब मैं निकालूंगा क्या डबल डेरिवेटिव, तो मैं जैसे ही इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, आप निकाल के देख लेना रूट एक्स है तो रूट माइनस वन बाय टू ऊपर तो माइनस वन बाय टू माइनस आ जाएगा साइन, तो ये लेस देन जीरो, गाइस लेस देन जीरो कौन सा केस है सर, ये सर ये सर ये रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स होता है ना, वन सेकेंड आप सर वो निगेटिव तो कुछ इस टाइप का होगा माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा, ओके तो इसका जब आप डबल डेरिवेटिव लोगे तो फिर ये रूट एक्स ऊपर जाके माइनस वन बाई टू, फिर जब इसका डबल डेरिवेटिव लो तो माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है तो पॉजिटिव का क्या केस था गाइस, पॉजिटिव 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 कब होता है मिनिमम के केस में, मिनिमम कब होता है कॉन्वेक्स के केस पे, कॉन्वेक्स के केस पे, ठीक है तो मतलब कि मेरा कुछ ग्राफ जो है कॉन्वेक्स टाइप का होगा, इस टाइप का होगा,
कुछ इस टाइप का होगा, नॉट श्योर कॉन्वेक्स बट इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा. एक्चुअली इसका जो ग्राफ है ना, इसका रूट एक्स प्लस वाई, वो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होता है. जब आप वेरिएंट में देखोगे तो कुछ इस टाइप का, मतलब ये नीचे आएगा ऐसे, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ होता है इसका. बट ये टच नहीं होता, ये मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलता है, ठीक है. तो कुछ इस टाइप का हुआ तो मुझे मालूम चले कॉन्वेक्स है. तो गाइस सेम चीज़ें इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो इसमें क्या दोनों का स्लोप इक्वल है ना, दोनों का स्लोप इक्वल है गाइस, यस दोनों का स्लोप इक्वल है. तो मैं टेंजेंट की स्लोप और ये दोनों की स्लोप मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है. तो मैं जब दोनों के स्लोप को इक्वल करूँगा तो वन बाय टू रूट एक्स मेरा उसका था और इसका मेरा निकलेगा पी. तो मैं जब रूट एक्स को मैं यहाँ लेके गया, पी को नीचे लेके गया, तो रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू पी. दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो एक्स टू कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर पी स्क्वायर आ गया. तो आपको बताना है कि जो ये मेरा एक्स स्टार है, क्या ये डिपेंड ओनली ऑन पी, ओनली ऑन एम, या फिर डिपेंड ऑन बोथ, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ. तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पी पे ना, ए ए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, इज करेक्ट ऑप्शन. या फिर आप माइक्रो का भी गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर याद हो तो आप माइक्रो का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं. मैं आपको क्या बोला था कि ये मेरी कौन सी यूटिलिटी है, कुजाई लीनियर, लीनियर प्लस नॉन लीनियर, दैट इज कॉल्ड कुजाई लीनियर. तो ये जो रूट एक्स है ना, ये जो नॉन लीनियर है, ये मेरी कौन सी गुड होती थी, नेसेसिटी गुड, नेसेसिटी गुड. जैसे एक एग्जाम्पल सॉल्ट, मेडिसिन, और वाई मेरी नॉर्मल गुड. तो यार आपकी इनकम जो है कितनों भी बढ़ जाए, आप सॉल्ट तो उतना का उतना ही तो आप कंज्यूम करोगे ना, ठीक है. अगर आपकी इनकम अगर 1 लाख से 10 लाख अगर हो गया, तो आप जितने सॉल्ट पहले खाते थे आप उतना ही खाओगे. मेडिसिन आप जितना लेते थे आप उतना ही मेडिसिन लोगे. तो मतलब इनकम से क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट है ना, इनकम तो नहीं होगा. तो बी तो गॉन, सी भी गॉन, बचा डी और ए में, ठीक है. तो एक्स स्टार सिर्फ और सिर्फ जब एम पे नहीं हो रहा है तो सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड होगा ना एक्स स्टार की जो कंजम्पशन है. तो ए तो आप लॉजिक से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके. कैन आई मूव, ओके सर, यस. तो आई मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस. सेम चीज है, सेम चीज आपको दे रखी है, 2x + 3y. अब यहाँ पर चार लाइन है, आपको चार लाइनें बनानी है, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी आपको बनानी है, ठीक है. तो चलिए बनाता हूँ इस क्वेश्चन को. गाइस आप मुझे कोई फटाफट से इसका इंटरसेप्टर मुझे बता दें, ठीक है. इसका इंटरसेप्टम गाइस क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट 3 and 2, ओके. सेकंड वाले का मुझे कोई इंटरसेप्ट बता दे सर, 5 and 15. थर्ड वाले का मुझे कोई बता दे, 4 -4 4 ए वाले का मुझे सर, उसका भी सर वो 5 और -15 होगा वो सेकंड वाले का. सेकंड वाला, हाँ थोड़ी सी यहाँ पे आप माइनस प्लस को देख ले, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर पूरा कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. और इसका मुझे कोई इंटरेस्ट सर, x 27/2 and 27/5, ओके. तो आई थिंक 13.5, एम आई राइट, 27, यस सर, यस सर, ओके ओके. तो फर्स्ट टास्क कंप्लीट, ओके. सेकंड टास्क की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ और एक बार इंटरसेप्ट को, इंटरसेप्ट टर्म क्या क्या था गाइस, 3 2 था, दूसरा टर्म था आपका 5 -15, तीसरा टर्म था आपका -4 4, और चौथा टर्म क्या था 13.5 27/5, ठीक है. ये मेरा था
पहला टास्क कंप्लीट, सेकंड टास्क क्या था कि ड्रॉ करना। पहले ले लेता हूँ रेड, ओके। सो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ओके। तो ये माइनस प्लस है तो मैं थोड़ा एक्सिस को और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे रेंज ले लेता हूँ, सपोज कि ये 4, 8, 12, ओके। आप कुछ भी ले सकते हैं गाइस, मैं जस्ट एज अ ले रहा हूँ, ओके। 4, सपोज दिस इज 8, ओके ओके। चलो 3, 2 गाइस, 3, 2 कहाँ आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3, 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2, ओके। तो क्या मैं इसको, ओके, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, ओके 2 है, ओके। ये कंप्लीट, सेकंड 5 माइनस 15 गाइस, 5 माइनस 15 कहाँ आएगा, 5 और माइनस 15 ये कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। पहले मैं फर्स्ट वाले को ड्रॉ कर लेता हूँ, 13.5 और 27.5, तो ये 13.5 कहीं यहाँ पे आएगा और 27.5 कहीं यहाँ पे आएगा, 8 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि 13.5 या तो 8 से तो बड़ा ही है, ओके ओके। सो ये वाला काम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, व्हाट सर, दिस 27/5, 27/5, हाँ तो मैंने तो लिखा है 27/5 सर, तो ये 5 सर, 4 और 8 के बीच में आएगा ना सर, ये तो 5.2 होगा ना, 4 5.4, ओह तो 13. आप एक्स इंटरसेप्ट ले, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ तो कुछ उस टाइप का है, सॉरी मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने इसको 13.5 अज्यूम कर रहा था, ओके। तो उसको मैं पहले माइनस 4 और 4, ओके, तो पहले मैं माइनस 4 और 4, माइनस 4 4, कुछ इस टाइप का आएगा, ओके कुछ इस टाइप का आएगा, जस्ट यहाँ पे कट हो रहा है 4 पे, ओके 4 पे, जस्ट मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ओके ओके। अब ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, 5 माइनस 15, ओके 5 माइनस 15, ये वाला मेरा कुछ यहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज 4 एंड 5, तो यहाँ पे कहीं 5 आया होगा और माइनस 15 कहीं और नीचे में आया होगा, ओके तो कुछ इस टाइप का बना होगा, ओके पेन अलग ले लेता हूँ मैं, ओके कुछ इस टाइप का आया होगा, ओके ओके ये कंप्लीट हो गया, ओके ओके कुछ इस टाइप की लाइन होगा। गाइस ग्राफ थोड़ी सी क्या बहुत ही खराब ग्राफ बनाया है यहाँ पे, ओके ओके। 27.5, ओके सो ओके। तो ये लाइन गाइस कहाँ पे आएगा, कुछ इस टाइप के, 8 से कम और ये, तो कुछ इस टाइप के कुछ लाइन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से गाइस ले लेता हूँ, ठीक है ओके,
ओके गाइज, ओके, तो आप मुझे बताइए कि फिजिबल पॉइंट गाइज कौन सा आया, देखना. ओके, दूसरा टास्क कंप्लीट, तीसरा टास्क मुझे निकालना है बेस्ट फिजिबल रीजन. तो बेस्ट फिजिबल रीजन मैं किसके हेल्प से निकालूंगा गाइज, इनइक्वालिटी के हेल्प से. ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ इनइक्वालिटी. फर्स्ट वाला लाइन ग्रेटर है, लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है. तो आप जब अगर देखेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा इंटरसेक्शन, ये मेरा फिजिबल पॉइंट बनेगा. ठीक है, आप देख लेना. ठीक है, इसका लेस देन ये है, इसका लेस देन ये है, इसका लेस देन ये है, और इसका ग्रेटर देन दिस. ये फर्स्ट वाला लाइन था, और बाद बाकी ये मेरा सारा सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन. तो फोर्थ, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का तो मेरा लेस देन था, तो मेरा लेस देन वाला पॉइंट मेरा इधर आएगा, और फर्स्ट वाले पॉइंट ग्रेटर था. तो ये वाला मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन आएगा. ओके ओके, दूसरा टास्क कंप्लीट. अब मेरा तीसरा चौथा टास्क गाइस क्या था, कि आप इस पॉइंट को निकाल लें. ठीक है, तो ये पॉइंट मैं, ये वाला लाइन, ये वाले लाइन से मुझे ये पॉइंट मालूम चल जाएगा. ये पॉइंट मुझे पता है, उसी तरह से ये पॉइंट मालूम चल जाएगा, ये पॉइंट मालूम चल जाएगा, ये पॉइंट मालूम चल जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा सारा फिजिबल रीजन का एरिया जो है मेरा मालूम चल जाएगा. ओके, अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ. मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है गाइस 5x प्लस 7y को. ठीक है, मिनिमाइज करना है 5x प्लस 7y को. ओके, तो ये मेरा 5x प्लस 7y, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा, तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आएगा. ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा. ओके, इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ आएगा. ओके, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ब्लैक, या ब्लैक. ओके, चलो, अब मुझे पता चला कि जो ठीक है, तो कुछ इस टाइप का कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे मैक्सिमाइज करना है इस टाइप के. ठीक है, तो इधर मैं जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमाइज होगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिनिमाइज होगा. तो मुझे मिनिमाइज करना है, नीचे की तरफ आऊंगा तो इस पॉइंट पे गाइस मेरा मिनिमाइज होता है. ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और इधर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है. ये वाला पॉइंट, ये लाइन जब लेंगे आप सीधा, तो ये कुछ यहाँ पे और यहाँ पे कट करता है. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट इधर होता है, तो मुझे मिनिमाइज करना है. तो मिनिमाइज इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और मिनिमाइज होता है. ठीक है, ये वाला नहीं, नहीं नहीं, ग्राफ ही यहाँ पे बहुत अल्टर बन गया मेरा. ओके, मैं एक बार फिर से ग्राफ को बनाता हूँ. ओके, तो हम लोग दोनों पॉइंट डाल के भी तो चेक कर सकते हैं. हाँ, किस पे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम आ रहा है. हाँ, तो आप अगर उतना कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ये मेथड अच्छी है ना, कि आप क्यों उतना पॉइंट को आप देखिएगा, डायरेक्ट आप ये मेथड यूज रखिए. आप वो बार बार पॉइंट को निकाल के फिर उसमें वैल्यूज को पुट करके फिर वही सर, वही बात होती है ना सर, ग्राफ से सर हम लोग को एग्जैक्ट, अगर वो पॉइंट्स क्लोज हो गए मतलब, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाना कि दोनों पॉइंट्स में से कौन होगा. इससे अच्छा वो दोनों पॉइंट्स पे डाल के क्रॉस चेक कर लें. हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए ना. जैसे अगर आपको यहाँ पे दे रखी है 5x प्लस 7y, ठीक है, 5x प्लस 7y, तो ये मेरा कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, चाहे वो स्टीपर आएगा, फ्लैटर आएगा. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ही तो आएगा ना ग्राफ. ठीक है, तो एक आपको हिंट मिल जाती है कि हाँ, कुछ इस टाइप के ग्राफ होगा. अगर एक्स प्लस वाई का होता तो ये पूरा परफेक्ट शेप आता. ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे 5x है, मतलब एक्स में 5 है, वाई में ज़्यादा है. ठीक है, तो इसकी ग्राफ जो आप निकालेंगे ये थोड़ी सा फ्लैटर होगी. ठीक है, अगर एक्स अगर ज़्यादा होती तो थोड़ी स्टीपर टाइप की होती. बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक रूल लगानी थी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, तो ये वाला मेरा लाइन था, दैट इज, आप इसको एक बार अच्छे से घर में कर लें अच्छे से. ठीक है, और 2-4 का. ओके सर, और ये कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ मूवमेंट होगी. ओके, और मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट, ये जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो था, कुछ इस टाइप के इसकी ग्राफ होगी. ओके, और वो वाला जो मेरा था,
13.5 or 27.5, तो इसका कुछ इस टाइप से बनेगा लाइक दिस. इस टाइप पे कुछ बनेगा, ठीक है. तो मेरी पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी थी, क्वेश्चन में मुझे पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी है, ठीक है. तो मेरा बेस्ट फिजिबल रीजन ओनली दिस पार्ट होगा, ओके. ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ठीक है. क्योंकि मुझे पॉजिटिव पे बतानी थी, क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है. ये वाला सारा पार्ट ओके. सेम चीज वही जो हम लोगों ने पांच मेथड जो अपनाया था वही उसी चीज से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ किया इनइक्वालिटी के हेल्प से. लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मच, ओके. तो ये एरिया आया, ओके ओके. पॉइंट को एक बार लिख लेता हूँ, ओके. सो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या था, 0 2. ओके, तो ये पॉइंट था मेरा 0.2, ए पॉइंट, ठीक है. और ए पॉइंट मेरा कितना था, 0.4, याद है आपको, 0.4. और ठीक है, उस ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट आएगा और कुछ इस टाइप का. बट मुझे मिनिमाइज करना था किसको, 5x + 7y को. तो मुझे मालूम चला कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया होगा, तो इसके ग्राफ कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, इस टाइप से होगी. तो सपोज कि कुछ इस टाइप की होगी. अब इधर मैं जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमाइज होगी, इधर मैं अगर मूव करूंगा तो मुझे मिनिमाइज, मुझे मिनिमाइज की सी तो निकालना है, ठीक है. तो चलिए मैं मूव करता हूँ मिनिमाइज की तरफ. मिनिमाइज नो, मिनिमाइज नो, नो दिस पॉइंट, या दिस पॉइंट पे जो है मेरा मिनिमाइज हुआ, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे. तो 0 और 2 पे जो है मेरा मिनिमाइज होगा, 0 और 2 पे. तो 0 और 2 यहाँ पे पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू 0, तो 5 × 0 + 7 × 2, सो दैट इज 14, ओके. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके. सो 26 का आपका ये आंसर होगा, ओके. एनी प्रॉब्लम गाइज? नो सर. गॉट इट, ठीक है. कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन में आपको वही चीज था, उसको मिनिमाइज करना था, ठीक है. तो इसका वैल्यूज मैं 0 और 2 पे मेरा पॉइंट मिनिमाइज हुआ. या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसका पॉइंट निकाल लो, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, ठीक है, ये आप कर सकते हैं. बट इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है, ये वाला मेथड आप यूज रखें ना, ठीक है. क्योंकि बहुत सारा पॉइंट, अगर सपोज कि अगर यहाँ पर अगर एक कोलैप्स या फिर अगर यहाँ पे अगर ओवरलैप हो गया, तो ओवरलैप हो गया तो फिर, ठीक है. तो इसीलिए आप ये मेथड को यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ दिस. सो आंसर इज 14. सो आपका 14 आंसर बी के साथ मैच हो रहा है, सॉरी ए के साथ. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके.